हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 20 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में, जो कि रिएक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जब कभी भी आप एज अ बिगनर या फिर कभी भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट होने के बाद भी इंटरव्यू देते हैं ना, तो कंपनी में आपका इंटरव्यू के टाइम पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही कि लाइफ साइकिल मेथड के बारे में बताएं रिएक्ट का, क्योंकि ये रिएक्ट की सब आप कह सकते हो बैकबोन है। मतलब यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं और इसी कॉन्सेप्ट को लेके पूरी की पूरी रिएक्ट चलती है। तो हम इस वीडियो के अंदर थ्योरी का पार्ट कवर करेंगे, आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको समझना है प्रॉपर डिटेल में गाइस। ओके, एंड गाइस मैंने हर एक वीडियो में बताया आपको रिएक्ट जेएस की टोटली सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, और रिएक्ट के जो सोर्स कोड है आपको वो गिटहब पे मिलेंगे, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो थोड़ा गौर से समझिएगा कि क्या होता है लाइफ साइकिल मेथड। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन रखा है इसका। इन रिएक्ट जेएस आर लाइफ साइकिल मेथड्स रेफर टू सेट ऑफ फंक्शंस दैट आर इन्वोक्ड एट वेरियस स्टेज ऑफ अ कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल। इट मींस कि जब कभी भी जो कंपोनेंट्स होता है ना, उसको अलग अलग पैटर्न्स में यहाँ पे डिवाइड करा जाता है लाइफ साइकिल के अंदर। ओके, दीज मेथड्स allow you to perform specific task or execute code to at different point during the components। यहाँ पे मैंने mention करा है आपका, जब कभी भी आपको कोई task perform करना है अपने condition based things को, तो components के साथ में, तो उस time पे आपका life cycle method use होता है। Next यहाँ पे मैंने mention करा है, in previously versions of React there was several life cycle methods available, but with the introduction of React 16.3 and later, some of these methods have been deprecated in favor of a new set of methods based on the concept of React's hook. However, the older lifecycle methods are still supported and can be used existing code base. It means ki jo React ka latest version aaya tha aapka 16.3, uske andar jitni bhi cheeze hame milti thi wo abhi latest mein use hoti hain, बट ओल्डर वर्जन का जो आपका सपोर्ट है लाइफ साइकिल मेथड का, वो अभी भी यहाँ पे चल रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो हटा दिया गया है तो वो यूज नहीं हो रहा, यूज हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी चीजें बिल्ड हो चुकी हैं गाइस, तो वहां पे चीजें आसान है समझना लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग। हुक्स में भी हम समझ सकते हैं चीजों को, बट हुक्स में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको क्लास कंपोनेंट के साथ में चीजें समझाऊंगा, फिर हम धीरे धीरे करके रिएक्ट के हुक्स को भी देखना चलेंगे कि हुक्स में लाइफ साइकिल मेथड कैसे वर्क करता है गाइस। ओके, अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट मैंने यहां पे मेंशन करा है आपका ये डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए, जब कभी भी आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि लाइफ साइकिल मेथड्स के अंदर फेजेस कितने होते हैं, तो आपको आंसर करना है थ्री। आंसर क्यों करना है, क्योंकि पहला होता है आपका यहाँ पे माउंटेनिंग। ओके, उसके अंदर आते हैं, मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। फिर होता है आपका अपडेटिंग, फिर होता है आपका अनमाउंटिंग। ओके, तो ये तीन होते हैं आपके फेजेस। ओके, अब फेजेस के अंदर आपके मेथड्स होते हैं। मेथड्स में कौन कौन से होंगे, आपके कंस्ट्रक्टर होगा आपका, राइट, गेट यहाँ पे आपका होगा, ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ओके, देन शुड कंपोनेंट अपडेट, रेंडर, देन इसके बाद में स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ओके, एंड देन इसके बाद में थ्री आपको यहाँ पे नीचे बॉटम में दिख रहे होंगे जो लास्ट के फेजेस में होते हैं, कंपोनेंट डिड माउंट, एंड देन आपको अपडेटिंग के केस में मिलता है यहाँ पे आपका कंपोनेंट डिड अपडेट, एंड यहाँ पे अनमाउंटिंग के केस में दिखता है आपको यहाँ पे कंपोनेंट विल अनमाउंट। ओके, अब ये जितने भी मैंने यहाँ पे मेथड्स आपको दिखाए हैं, ये सारे मेथड्स के ऊपर वन टू वन करके हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे आने वाली वीडियोस में, और यहाँ पे जो तीनों फेजेस हैं, इन तीनों फेजेस के अंदर डिटेल में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें कैसे मिलती हैं। तो यहाँ चलते हैं नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन करा है, जैसे कि आपका अमाउंटिंग फेज है। ओके, उस फेज के अंदर जो मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया, सबसे पहले हमें मिलता है आपका कंस्ट्रक्टर जो मैंने यहाँ मेंशन करा है। ओके, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, दिस मेथड इज कॉल्ड व्हेन अ कंपोनेंट इज बीइंग इनिशियलाइज्ड एंड कंस्ट्रक्ट। इट मींस कि जब कभी भी आपका इनिशियल लेवल पे जब आपकी ऐप स्टार्ट होती है, उस टाइम पे सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। ओके, इट्स अ टिपिकल यूज फॉर इनिशियलाइज स्टेट एंड ब्लाइंडिंग इवेंट हैंडलर्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ऑनलोड पे चीजें चलेंगी वो। देन इसके बाद सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन करा है आपका स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ये मेथड आपका कब चलता है,
ये चलता है आपका दिस मेथड इज इन्वोक्ड बिफोर रेंडरिंग, जब ये रेंडरिंग से पहले ही आपको चलेगा, बोथ ऑन द इनिशियल माउंट एंड ऑन सबट्रैक्स अपडेट्स इट अलाउ यू टू अपडेट द स्टेट बेस्ड ऑन चेंजेस इन प्रॉप्स। जब कभी भी आपके किसी भी कंपोनेंट्स के अंदर कोई प्रॉप्स में चेंज होती है चीजें, वहां पे आपका बिफोर रेंडरिंग ये आपका यहाँ पे वर्क करता है मेथड। ओके, ये मेथड्स हैं। फेजेस आपके क्या हैं? आपके तीन फेजेस हैं और ये हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये हैं मेथड्स। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ पे रेंडर, रेंडर में मैंने यहाँ पे मेंशन करा है आपका दिस मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग द कंपोनेंट्स जेएसएक्स मार्कअप। इट मीन्स कि जितना भी मैंने आपको जेएसएक्स से रिलेटेड स्टफ बताया था ना, उस फॉर्मेट में रेंडर को ही यहाँ पे सब कुछ काम करना पड़ता है, जिसके वजह से हमें वहां पे यूआई में चीजें विजिबल होती हैं। ओके, फिर इसी के अंदर हमें मिलता है कंपोनेंट डिड माउंट। दिस मेथड इज कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर द कंपोनेंट हैज बीन माउंटेड टू द डॉम। इट इज कॉमनली यूज टू इनिशियलाइज एपीआई कॉल और सेटअप इवेंट लिसनर्स। इट मीन्स कि जब कभी भी हम किसी भी एपीआई को कॉल करते हैं मानिए, या फिर हम वहां पे कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जिसके साथ में हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, तब उस केस में सबसे ज्यादा हमारा यूज होने वाला है यहां पे मेथड कंपोनेंट डिड माउंट। ओके, जिसको हम यूज करते थे क्लास कंपोनेंट्स के अंदर भी, हम करते हैं फंक्शन में भी, बट फंक्शन में यूज करने का तरीका अलग है, वहां पे हुक्स आ जाते हैं। ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है आपका माउंटिंग फेज। जब कभी भी आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो उसके अंदर आप बताएंगे माउंटिंग फेज के अंदर आपको यहाँ पे चार चीजें मिलती हैं। पहला होता है आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, तीसरा होता है आपका रेंडर, फोर्थ होता है आपका यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अपडेटिंग फेज। ओके, सेकंड फेज है आपका। ओके, अब सेकंड फेज में भी आपको यहाँ पे स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप देखने को मिल रहा है। ओके, एज मेंशन्ड अर्लियर दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यूरिंग द अपडेटिंग फेज व्हेन अ न्यू प्रॉप्स आर रिसीव्ड। इट मीन्स कि जब भी हम प्रॉप्स के अंदर कोई न्यू वैल्यू भेजते हैं तब जाके ये मेथड भी काम करता है। अगेन आपका आपका वहां तो करता ही है माउंटिंग के केस में, अपडेटिंग के केस में भी ये वर्क करता है आपका। ओके, नेक्स्ट आपको यहां मिलता है आपका शुड कंपोनेंट अपडेट। ओके, दिस मेथड डिटरमाइंस वेदर द कंपोनेंट शुड री रेंडर और नॉट। इट कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी री रेंडरिंग। इट मीन्स कि अगर आपके कंपोनेंट में सच में कुछ चीजें चेंज हुई हैं लाइक स्टेट प्रॉप्स, तभी जाके वो री रेंडर करेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज को यहां पे फिक्स करता है हमारा शुड कंपोनेंट अपडेट। ओके, रेंडर मैंने यहां मेंशन करा रेंडर को थर्ड नंबर पे। द रेंडर मेथड इज कॉल्ड अगेन टू अपडेट द कंपोनेंट्स इन यूआई। जो यूआई का पार्ट होता है वो सारा का सारा हैंडल कौन करता है? रेंडर, जैसे कि पीछे हमने देखा। फिर इसके बाद आपको मिलता है यहां पे गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। This method is called right before changes are committed to the DOM. It allow you to capture information from the DOM before it is potentially changed. It means कि जो आपका DOM होता है वो आपका जब change होता है तो वहां उसको change करने से पहले जब वो proper तरीके से change हो जाएगा तो वहां पर वो capture करता है सारे के सारे information की, वो अपने पुराने वाले को check करता है कि yes ये पुराने वाले data से अलग है या नहीं, तभी जाके फिर वो रेंडर के पास में चीजें इनिशियलाइज करता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसके अंदर कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट डिड अपडेट क्या है? दिस मेथड इज इन्वोक्ड आफ्टर द कंपोनेंट हैज बीन री रेंडर्ड एंड द चेंजेस हैव बीन अप्लाइड टू द डॉम। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर साइड इफेक्ट्स सच एज अपडेटिंग द डॉम बेस्ड ऑन प्रॉप्स और स्टेट चेंजेस। ये आपका कब काम करता है? जब कभी भी आपका स्टेट एंड प्रॉप्स में कोई भी चीजें चेंज होती हैं। ओके, फिर वो सबसे पहले यहां पे क्या करता है, जो डॉम होता है हमारा, ठीक है, उस डॉम में री रेंडरिंग अगेन करता है वो। बट री रेंडरिंग जब वो करता है तो वहां पे वो केवल उसी वैल्यू को री रेंडरिंग करता है जिसमें आपके स्टेट या प्रॉप्स की वैल्यू चेंज होती है, उसी कंपोनेंट को वो रेंडर करता है वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपडेटिंग फेज गाइज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका यहां पे अनमाउंटिंग फेज। अनमाउंटिंग फेज के अंदर हमें मिलता है यहां पे कंपोनेंट विल अनमाउंट। ओके, ये हमारा तीसरे फेज के अंदर पहला पॉइंट है। दिस मेथड इज कॉल्ड राइट बिफोर द कंपोनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द डॉम। जब कभी भी हम कभी क्लिक के ऊपर या किसी कंपोनेंट को क्लिक के बाद हाइड कराना या शो कराना, जो भी हम फंक्शनैलिटी करते हैं ना,
उस केस में ये यहां पे हमारा चलता है कंपोनेंट विल अनमाउंट. इट कैन बी यूज टू परफॉर्म क्लीन अप टास्क लाइक रिमूविंग इवेंट लिसनर्स और कैंसलिंग एपीआई रिक्वेस्ट्स. मानिए कि आपने क्लिक वाला, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया शो हेड का, आपने एपीआई कॉल करवा रखी है फेच मेथड के साथ में, जो हमने जावास्क्रिप्ट के एडवांस के अंदर देखा था ES6 में. उस मेथड के साथ में आपने एपीआई को फेच करा है, बट आपकी एपीआई यहां पे लोड नहीं हो पाई, एरर आ गया कुछ वहां पे. तो उस टाइम पे आपका क्या होगा कि कंपोनेंट आपका नहीं आना चाहिए वहां पे. इट मींस कि जो कंपोनेंट्स आप कॉल करवाएंगे वो नहीं आना चाहिए, उसके बदले वहां पे वो एरर दिखाना चाहिए जो भी हम एरर पुट ऑन करेंगे अपनी फाइल के अंदर. ओके, तो ये है आपके तीनों फेज के अंदर आपके सारे मेथड्स. ओके, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट. यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या, कब चलती है चीजें आपकी, व्हेन कंपोनेंट इज लोडेड. तो आपका क्या चलेगा इनिशियल लेवल के बाद में, सबसे पहले आपका माउंटिंग चलेगा यहां पे. ओके, पहले पॉइंट में. दूसरे पॉइंट में आपको यहां पे दिखेगा व्हेन कंपोनेंट इज अपडेट विद स्टेट एंड प्रॉप्स, तब क्या चलेगा आपका अपडेटिंग वाला चलेगा. ठीक है, सेकंड फेज. फिर उसके बाद चलेगा आपका तीसरा यहां पे व्हेन कंपोनेंट इज रिमूव्ड, इट मींस कि आपका अनमाउंट वाला चलेगा जो अभी मैंने थर्ड में आपको दिखाया है. तो ये है आपका लाइफ साइकिल का गाइस थ्योरी का पार्ट, जो मैंने अभी आपको डिटेल में कवर करा है कि कितने फेज होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को कब कब यूज करना चाहिए, वो मैंने थ्योरी के अंदर अभी आपको यहां पे समझाया है. ओके, अब इसके बाद में हमें प्रैक्टिकल क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. वो भी मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपका कंस्ट्रक्टर को देखेंगे लाइफ साइकिल मेथड के अंदर, कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टर को यूज करना चाहिए रिएक्ट के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जब तक के लिए टिल देन बाय गाइस.